हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राज, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, अभी दो चार दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने पीपी फैक्टर को लेकर के बात की थी, शेयर मार्केट के पीपी फैक्टर को, यानी पैसे के साथ पेशेंस। पी मीन्स पैसा और पी यानी पेशेंस, पैसे के साथ पेशेंस। आज हम बात करेंगे ट्रिपल पी फैक्टर की। आखिर ये ट्रिपल पी फैक्टर है क्या? फ्रेंड्स, ये फैक्टर आने वाले 7 साल तक चलेगा और जो इस फैक्टर को समझ लेगा वो अच्छा पैसा कमाएगा इस शेयर मार्केट में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ट्रिपल पी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें पैसे के साथ पेशेंस, और वो भी इन पावर सेक्टर। पैसा विद पेशेंस इन पावर सेक्टर शेयर्स, इसको कहते हैं ट्रिपल पी। मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूँ। ओरिएंट पावर शेयर 3 रुपये से आज ही 20 रुपये पर है। पहले ही 35 रुपये तक गया था, 3 रुपये से डाउनफॉल आया 6-7 रुपये तक, और अभी 20 रुपये पर। यानी अच्छा खासा पैसा बना करके देगा आने वाले साल में। सुजलोन 6 रुपये से 50 रुपये तक, मात्र 2 साल के अंदर नहीं, 1 साल के अंदर नहीं, बल्कि कुछ महीनों के अंदर 6 रुपये से 50 रुपये तक पहुँच गया था। रिलायंस पावर 3 रुपये से कंपेयर करेंगे तो आज भी अगर 21 रुपये चल रहा था, 7 गुना का प्रॉफिट अभी भी दे रहा है। जिन लोगों ने पैसा विथ पेशेंस इस पावर सेक्टर के शेयर्स में, जिनके नाम ले रहा हूँ, उनमें इन्वेस्टमेंट किया तो अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जेपी पावर 50 पैसे 1 रुपये से अगर इस शेयर की बात करें हम, तो अगर ये शेयर 50 पैसे पर किसी ने लिया तो आज भी उसको 30 गुना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि इट इज़ 50 रुपीज़ प्लस। 1 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 16 गुना रिटर्न मिल रहा है। 4 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 4 गुना रिटर्न मिल रहा है। 5 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 3 गुना रिटर्न मिल रहा है। 6 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 गुना रिटर्न मिल रहा है। यानी कि इतना रिटर्न इतने कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। 24 रुपये तक गया, डाउनफॉल आया, करेक्शंस हुए, अब वापस से नेक्स्ट ट्रैक की तरफ निकलेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने बोला ना, पैसे के साथ पेशेंस, और वो भी किसमें? इन पावर सेक्टर्स शेयर्स। जीवी की पावर 3 रुपये से देख लीजिए 12 रुपये, अभी भी 4 गुना मुनाफा दे रहा है, और 16 रुपये तक गया ही, 16 रुपये से ऊपर गया, 17 रुपये तक गया, और वापस से नए ट्रैक्स की तरफ निकल रहेगा, 25 रुपये तक पहुँचेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें नज़रिया बनाए हम पावर सेक्टर के शेयर्स में, पैसा विद पेशेंस के साथ। तो ट्रिपल पी फैक्टर बहुत अच्छा पैसा बना के देगा आपको आने वाले समय में। टाटा पावर को देख लीजिए, 80 रुपये से कहाँ पहुँच गए, 400 रुपये के आसपास। HUL पावर देख लीजिए, 60 रुपये से 35 रुपये से कहाँ पहुँच गया, 500 प्लस, और अभी भी 400 के आसपास चल रहा होगा। SJVN 25 रुपये से 100 रुपये, 4 गुना। पावर सेक्टर के शेयर सही है, ट्रिपल पी फैक्टर। आप लोग कहते हैं शेयर्स बताइए, शेयर्स बताइए। अरे भाई, अगर शेयर्स अभी भी ऐसे लेवल पे है, कम पैसे में आपको मिल रहे हैं, तो लीजिए ना, उठाइए ना, क्वांटिटी कौन मना कर रहा है आपको। NHPC देख लीजिए, 40 रुपये से 80 प्लस, दुगना। NTPC 150 के आसपास मैंने बताया था, 400 समथिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई, ये पावर सेक्टर शेयर जिनके मैंने नाम लिए हैं, अगर आप इसमें ट्रिपल पी फैक्टर को समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में 2030 तक 7 साल में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, बेहतरीन रिटर्न। इनमें से कुछ भी स्टॉक्स या कैसा भी स्टॉक, या किसी भी तरह का स्टॉक, किसी भी एंगल से, किसी भी एनालिसिस के हिसाब से आप पकड़ लीजिए, एक स्ट्रेटजी बना करके चलिए। बात करेंगे हम अगले कुछ वीडियोस में, हो सकता है स्ट्रेटजी बताऊँ, अगर मेरी इच्छा हुई तो बताऊँगा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसमें किन शेयर्स को पकड़ना है और कैसे पकड़ना है। लेकिन ध्यान रखिए, छोटे शेयर्स पकड़िए, अच्छी क्वांटिटी पकड़िए, ताकि वो जब बड़े हो जाएं तो आपको अच्छा रिटर्न दे। 400 वाला टाटा पावर पकड़ेंगे तो 1600 का 4 गुना देगा, लेकिन यही 15 रुपये का जेपी पावर पकड़ेंगे, 100 रुपये हो गया तो 7 गुना प्रॉफिट देगा। तो सिस्टम आपके हाथ में, क्या पैसा कैसा कमाना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं मेरे इस ट्रिपल पी पावर स्ट्रेटजी के फॉर्मूले को, ट्रिपल पी पावर फॉर्मूला, या जिसे हम कहें ट्रिपल पी फैक्टर ऑफ शेयर मार्केट टू इन्वेस्टमेंट। जुड़ रहे मेरे चैनल के साथ में, अगर मेरी बातों को समझेंगे ना, तभी पैसा कमा पाएंगे आप। नए नए शेयर से कुछ नहीं है, आपको जिनमें मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी बताऊँ, उसको फॉलो करें, पैसा कमाने में कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।